For this wonderful time, yes, ये सुंदर समय के लिए हम तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जैसे हम आज तेरे वचन पे मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लॉर्ड हमारे आत्मिक आंखों को तो खोल, हमारे हृदय को तो खोल प्रभु। और लॉर्ड आज जो भी हम सुनेंगे लॉर्ड हमें अभिषेक दे, ताकि हम खाली सुने नहीं बल्कि उसको समझे और उसको हमारे जीवन का एक क्या कहते हैं हमारे जीवन का एक भाग बना दे प्रभु। लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ मास्टर। हेल्प अस टू लॉर्ड नॉट ओनली बी लिसनर्स हियरर्स ऑफ योर वर्ड बट आल्सो बिकम द डूअर्स ऑफ योर वर्ड। यस लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। इन जीसस मोस्ट एग्जॉल्टेड नेम वी मेक दिस प्रेयर। आमेन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं समझता हूं कि हम सब लोग ने सबको ऑलरेडी लिंक भेजा है। एंड जस्ट सी दैट ध्यान रखिए कि हम सब अपने लीडर्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम कुछ वचन पढ़िए आज बाइबल में से। लीडरशिप के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं लीडरशिप। ओके, जैसे कि बाइबल में कहा है, क्योंकि अगर एक खड्डे में गिर जाएंगे। ओके, तो हमें मालूम है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम सब के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे ऊपर एक कॉलिंग है। एवरीवन इज कॉल्ड, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि हमारे पास बुलावट नहीं है, हमारे पास कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग जो है सिर्फ हमारे पास्टर पे है, या तो कोई प्रॉफिट है या इवेंजलिस्ट है, खाली उनके पर कॉलिंग है नहीं। लेकिन बाइबल में बहुत सारे किस्म के कॉलिंग्स है और हम सब परमेश्वर के शरीर जो है उसके हम भाग है। ओके, वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब जब एकजुट होते हैं तो वी बिकम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी बिकम पावरफुल, वी बिकम स्ट्रॉन्ग। और यीशु ने कहा, I will build my church and the gates of hell will not prevail against the church. मैं मेरा कलिसिया को बांधूंगा और नरक का पूरा ताकत, पूरा सामर्थ के साथ भी अगर जब आएगा तो कलिसिया को वो हरा नहीं पाएगा, बल्कि कलिसिया जो है वो विजय होके आगे बढ़ेगा। Praise the Lord. We are more than conquerors through Jesus Christ. Not I am not more than conquerors, but we are more than conquerors. हम सब एकजुट होके, we are more than conquerors through Jesus Christ. Okay? यीशु मसीह के द्वारा हम विजय लोग हैं। Praise God. तो ये एक अकेले के बारे में नहीं कह रहा है, ये एक कलिसिया के बारे में कह रहा है, called out people. हम जो बुलाए गए हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्या बोलते हैं, रंग के लोग, गोरे लोग, काले लोग, सब लोग मिलके हम सब एक होके परमेश्वर का कलिसिया बन गए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक बाइबल में से कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। पहला वर्स हम जो लेने वाले हैं वो है मार्क चैप्टर 10 और उसका वर्सेस 42, 43, 44, 45 हम पढ़ेंगे। पिछला सिस्टर है वो हिंदी में पढ़ेगी। सिस्टर यीशु ने उनको अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो व्यक्ति अन्य जातियों के शासक समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह स्वयं दूसरों की सेवा टहल करे और बहुत लोगों की मुक्ति के लिए अपना प्राण दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे अगर हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, इसके आगे, तो हम देखते हैं
कि अभी मार्क में ऐसा लिखा है कि जेम्स एंड जॉन ये दो जेबेडी के जो संतान थे, ये दोनों यीशु के पास आए और कहे कि हमको एक आपके राइट हैंड साइड और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हम बैठना चाहते हैं। ओके अगर कोई दूसरे अगर हम बुक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उनकी माँ जो थी वो आके जीसस को वर्शिप करी और जीसस को बोले कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, एक चीज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ और वो ये है कि मेरे दो बेटे हैं और एक आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जब आप आपके महिमा में आएंगे आपका राज्य में आएंगे तो उस वक्त मेरा एक लड़का आपके राइट हैंड साइड में, दूसरा लड़का आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठना चाहिए। तो जब ये मांग उन्होंने यीशु के सामने डाला तो यीशु ने एक्चुअली यीशु उस वक्त उन पर नाराज नहीं हुआ लेकिन उनको बुलाया और उनको समझाया ये बात, क्योंकि जब इन्होंने ये मांग डाला था तो उस वक्त क्या हो गया, डिसाइपल्स के बीच में एक किस्म का क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा देयर वाज अ काइंड ऑफ रिफ्ट बिटवीन देम, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अनबन की किस्म के हो गया था। तो वो हम अगर पढ़ेंगे 41 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, कैन वी रीड 41। जब शेष 10 प्रेरितों ने यह सुना तो वे याकूब और योहन्ना पर नाराज हुए। तो क्या हो गया, जब इन्होंने सुना कि इन लोग ने ऐसा प्रपोजल डाला है यीशु के सामने, तो जो बाकी के जो 10 डिसाइपल्स थे उन लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, बोले कि ये कौन सा किस्म का इन लोग जो डिमांड डाल रहे हैं यीशु के सामने, कौन सा किस्म का रिक्वेस्ट है, और उन लोग इस पे खुश नहीं थे, यानी उन लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने बोले कि हाउ कम यू टू, अगर तुम लोग दोनों वहां बैठेंगे तो हम किधर बैठेंगे। मींस इफ यू सी एक किस्म का सबके अंदर एक ऐसा हो गया था कि अगर तुम दोनों ये इंपॉर्टेंट पोजीशन ले लोगे तो हम कौन सा पोजीशन लेंगे। तो ये जो लड़ाई यहां पे चल रहा था, ये लड़ाई जो था पोजीशन का लड़ाई था। ये आजकल का दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उसका पोजीशन होता है, मुझे कौन सा पोजीशन मिल रहा है। तो यहां पे जो एक कंफ्यूजन था एक सब डिसाइपल्स के बीच में वो ये था कि हमको वो पोजीशन चाहिए, हमको वो स्थान चाहिए। तो इस वक्त जो था यीशु ने अपने डिसाइपल्स को बुलाया और उनको समझाया कि देखिए हम लोग जो है और दुनिया के जो लोग हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया के जो लोग हैं उन लोग जब उनका जो लीडरशिप है वो लीडरशिप ऐसा है कि उन लोग दूसरों के ऊपर क्या बोलते हैं, दे वांट टू लॉर्ड इट ओवर द अदर पीपल, दूसरों का बॉस बनना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू कमांड, दे वांट टू रूल ओवर द पीपल, एंड फॉर देम इट इज पावर, इट इज पोजीशन, उनके लिए पोजीशन है, उसके लिए पावर है उनके लिए वो। तो उनका जब लीडरशिप के बारे में हम बात करते हैं, जब उन दुनिया के लोग जब बात करते हैं तो उन लोग का लीडरशिप में ऐसा होता है कि मैं बॉस हूं, द बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बॉस कहता है वो सच है और जो उसके नीचे जो लोग हैं उनको खाली एक ही चीज मालूम है, यस बॉस, भले पीठ पीछे उन लोग बात करेंगे, पीठ पीछे नाम रखेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, लेकिन जो बॉस के सामने रहेंगे तो उनको एक ही चीज मालूम है, यस बॉस, द बॉस इज राइट। तो यीशु कह रहा है ये दुनिया का तौर तरीका है लीडरशिप का, मैंने बोला है ऐसा करने के लिए और तुमको ऐसा करना है, डू एज आई से, ये दुनिया का तरीका है काम करने का, लेकिन मैं जो तुम लोगों को लीडरशिप सिखाने वाला हूं ये तरीका जो है दुनिया से काफी अलग है। इस लीडरशिप के अंदर अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम ग्रेट तुमको सर्वेंट बनना है, यानी कि जो लीडर होता है उसको सेवक बनना है, जो लीडर है उसका काम है सेवक बनना है। सो ये एक अलग किस्म का, टोटली अलग किस्म का एक लीडरशिप के बारे में यीशु बात कर रहा है यहां पे। इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन गॉड्स किंगडम, इफ यू वांट टू बी ग्रेट देन यू मस्ट लर्न टू बिकम अ सर्वेंट, बिकम अ स्लेव टू देम। एंड उसके आगे यीशु कहता है कि द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड, यीशु जो है वो इसलिए नहीं आया ताकि लोग उसका सेवा करें। यीशु कोई सिंहासन पे आके बैठा नहीं कि सब लोग अभी मेरे सामने नमन करना चाहिए, मेरा आराधना करना चाहिए, मेरा आगे पीछे घूमना चाहिए। नो, ही डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड, बट आई हैव कम टू सर्व।
एंड वो ऐसा कहता है दैट ही केम टू ले डाउन हिज लाइफ अ रैंसम फॉर मैनी, उसने अपना जीवन जो है उसने अपना लहू बहा दिया एज रैंसम, अपना जीवन दे दिया, मर गया हमारे लिए एज अ रैंसम, हमारे लिए कीमत देके उसने हमको खरीदने के लिए। तो यहां पे हम देखते हैं एक अलग किस्म का एक लीडरशिप के बारे में यीशु बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आज हम थोड़ा मनन करेंगे और ये बहुत हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है ये। ओके, तो हियर वी सी यीशु कह रहा है कि हमारा लीडरशिप जो है दुनिया के लीडरशिप से विपरीत है एकदम टोटली। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 26 एंड 27 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे मोसेस के बारे में लिखा है। ओके, बाइबल में ऐसा लिखा है मोसेस के बारे में, एंड सेड मोसेस कंसीडर्ड और एस्टीम्ड, मोसेस एस्टीम्ड ही कंसीडर, उसने मोसेस ने बैठ के उसने तुलना किया, ही एस्टीम्ड ही कंसीडर्ड, बैठ के उसने ऐसे रैंडम डिसीजन नहीं लिया, ही सैट डाउन एंड ही कंसीडर्ड, उसने उसके ऊपर विचार किया, उस पर सोचा, उसको उसके ऊपर उसने क्या बोलते हैं सोच विचार किया उसके ऊपर, एंड एंड इट सेज ऐसा द रिप्रोच, ही कंसीडर्ड द रिप्रोच दैट मीन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट ग्रेटर देन द वेल्थ ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो वेल्थ था, इजिप्ट का जो उसका पोजिशन था, इजिप्ट में जो उसका एक नाम था, इजिप्ट में जो उसका एक रिस्पेक्ट था, समझ में आ रहा है, एक क्या बोलते हर इंसान में एक क्या बोलते ही इज सिक्योर्ड, ही इज अ बिग मैन। इजिप्ट जो था इट वॉज सुपर पावर, और उस इजिप्ट का जो महल था उसके अंदर वो ही वॉज अ टॉप पर्सन ओवर देयर, ही वुड हैव बीन द नेक्स्ट फैरो, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। लेकिन उसने बैठ के सोच विचार किया, उसने बोला एक तरफ जो है ये महल है, एक तरफ पोजीशन है, एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ मेरे पास अधिकार है, दूसरी ओर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा और मुझे मुझे दुख और तकलीफ सहन करना पड़ेगा, तो कौन सा चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या तो फिर यीशु के लिए मुझे सफर करना, दुख उठाना, तकलीफ में से उठाना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसने कंसीडर करने के बाद आफ्टर एस्टीमिंग इट उसने बोला नहीं, मैं ये महल छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये पोजीशन छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार, क्योंकि ये जो मुझे इधर ये जो है नेचुरल क्या बोलते हैं धन दौलत रिवॉर्ड है, लेकिन मुझे यीशु के पीछे जब चलूंगा तो मुझे इटर्नल ब्लेसिंग मिलेगा। जैसे कि एक जगह पे पॉल ऐसा लिखता है बाइबल में, इन वन ऑफ द बुक्स ही सेज, आई थिंक इन कुरिन्थियंस के भी लिखा है, वो बोलता है द थिंग्स दैट आर सीन आर टेम्पररी, जो चीज हम देखते हैं ये सब टेम्पररी चीज है, और जो चीज हम नहीं देख पाते हैं वो इटर्नल है। तो मोसेस ने ही सॉ द इनविजिबल गॉड, मींस उसने परमेश्वर को आत्मा में देखा उसने, और उसने कंसीडर किया कि ये जो मुझे दिख रहा है ये सब नाशवंत चीज है, लेकिन अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मुझे इटर्नल ब्लेसिंग मिलेगा। सी यू हैव टू सिट डाउन, हमें बैठ के इसका क्या बोलते हैं वी हैव टू कंसीडर इट, ये रैंडमली हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, हम हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमको जो ठीक लगता है, इट्स नॉट दैट व्हाट यू फील, वी आर नॉट, वी डोंट लिव बाय फीलिंग्स, वी लिव बाय फेथ। हम फीलिंग्स से जीते नहीं, हम फीलिंग्स के अनुसार हम निर्णय लेते नहीं है, हम विश्वास से हमारा निर्णय लेते हैं, हम हमें जो दिखता है उसके ऊपर से हम डिसीजन नहीं लेते हैं, वी डोंट लिव बाय व्हाट वी सी, वी टेक डिसीजंस बाय व्हाट वी बिलीव। प्रेज द लॉर्ड, हमारे सच्चाई, हमारे परमेश्वर कहता है तुम्हारे सामने सच्चाई है, तुम्हारे सामने झूठ है, लाइफ एंड डेथ इज बिफोर यू, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने है, निर्णय तुम्हें लेना है।
प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम विश्वासी हैं, अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं, अगर हमने हमारा जीवन परमेश्वर को दिया है, हम लोग रैंडमली कुछ भी डिसीजन लेके कुछ भी करके हम नहीं चल सकते। हमको डेलिबरेटली हमें डिसीजन लेना है। भले हमको लगेगा फ्लैश हमको इधर खींचता है, हमको फ्लैश के पीछे नहीं जाना है। आई ब्रिंग माई फ्लैश अंडर सब्जेक्शन। स्पिरिट जो है वो फ्लैश के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, फ्लैश जो है स्पिरिट पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हम देखते मोसेस कह रहा है यहां पे कि मैंने विचार किया, आई थॉट ओवर इट, आई कंसिडर्ड इट। एक तरफ महल था, एक तरफ पोजीशन था, एक तरफ मैं आई हैड पावर, आई हैड अथॉरिटी, सब कुछ था एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे लिए सफरिंग था। इधर का जो ब्लेसिंग था ये टेम्पररी था, लेकिन ये जो ब्लेसिंग है मेरा इटर्नल ब्लेसिंग है। और उसने निर्णय लिया कि मैं तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, आई एम रेडी टू सफर, आई एम रेडी टू गो थ्रू द नैरो पाथ देन टू वॉक थ्रू द ब्रॉड पाथ। जो क्या बोलते हैं, नैरो रास्ता है उसमें से मैं चलने के लिए तैयार हूं। And then he took a decision, and वहां पे देखिए और क्या होता है उसके जीवन में। ये पहली बात उसने decision उसने ऐसा लिया, and he said he reproached suffering for Christ. He was ready to suffer for Christ, and greater wealth than the wealth of Egypt. उसने सोचा कि ये जो दुनिया का जो इजिप्ट का जो वेल्थ है उससे महान है, हम यीशु के लिए तकलीफ उठाएंगे। Second thing we see over there, he was ready to suffer for Jesus Christ, Egypt, wealth. And then उसने क्या किया, वो पोजिशन को रिजेक्ट किया। ओके, उसने जो पोजिशन था उसको रिजेक्ट किया। सोच विचार करने के बाद में उसने बोला नहीं, मैं ये निर्णय नहीं लूंगा, आई विल रिजेक्ट दिस पोजिशन। ओके, पूरा दुनिया देखो आज पोजिशन के पीछे जा रहा है। दो चीज देखते वहां पे, एक उसने पोजिशन को रिजेक्ट किया, सेकेंड थिंग वहां पे ऐसा बोलता उसने वो जो राजा का जो डर था, द फियर ऑफ फैरो द किंग, उसने वो रिजिस्ट करके ही वेंट फॉरवर्ड। तो यहां पे हम देखते द फियर ऑफ द किंग, कुछ लोगों को फियर रहते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसा क्या कहेंगे। उसने वो सब छोड़ दिया, लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे को लोगों के सामने सही नहीं रहना है, मेरे को परमेश्वर के सामने सही रहना है। अगर मैं परमेश्वर के सामने सही हूं तो मैं दुनिया के सामने सही हूं। जैसे कि प्रोवर्ब्स में लिखा है, इफ योर वेज प्लीज द लॉर्ड योर एनिमीज विल बी एट पीस विद यू। अगर तुम्हारा मार्ग परमेश्वर के ओर में है, इफ योर वेज प्लीज द लॉर्ड, अगर तुम्हारा मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो तुम्हारे जो दुश्मन है वो भी तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। दे विल ऑल्सो वॉक विद यू। प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहां पर देखते हैं कि पोजीशन जो था उसको हमें छोड़ना है। तो ये हम देखते हैं, ये जो हमारा लीडरशिप है, एंड मोसेस जो था वो सबसे महान लीडर था। एंड बाइबल उसके बारे में लिखता है, मोसेस के बारे में, कि वो ही वाज 120 इयर्स ओल्ड, वो 120 वर्ष का था, और उसके आंखें जो थे वो कभी डिम नहीं हो गए। ओके, मोसेस ने कभी चश्मा पहना नहीं। लेकिन इसको अगर हम देखते हैं स्पिरिचुअल में, तो हमको मालूम है कि उसका एक लीडर जो है उसका जो विजन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो लीडर्स हैं, जितने भी आज हमें देख रहे सुन रहे मेरे लीडर्स चर्च के, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जो एक लीडर है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो फॉग बोलते हैं ना, फॉग को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, फॉग जो सर्दी कोहरा सर्दी के वक्त जब कोहरा होता है, और वो कोहरा के वजह से हमें आगे का दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है हमारा एकदम, क्या बोलते हैं एक दो फीट की तलक ही हम देख सकते हैं, हम आगे का नहीं देख सकते। तो एक लीडर का काम क्या है कि ये जो फॉग है, ये जो क्या बोलते हैं कोहरा है, इसको हमें हटाना है, और हमारा विजन को हमको क्लियर करना है कि हमारा काम है कि हमारे लोगों को के अंदर एक विजन डालना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा। अगर हम देखेंगे मोसेस के बारे में,
मोसेस को प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया था, उनको पहाड़ी पे बुलाया था, प्रभु ने कहा मोसेस को कि मोसेस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक टैबरनाकल बनाओ, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ जिसमें मैं आके मेरे लोगों के बीच में रहूं। बिल्ड मी अ टैबरनाकल दैट आई मे कम एंड ड्वेल इन द मिडस्ट ऑफ माय पीपल, मैं मेरे लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। सी, ये प्रभु का, परमेश्वर का क्या बोलते हैं, हृदय का एक इच्छा है प्रभु का कि मैं मेरे लोगों के बीच में उतरना चाहता हूं, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनके बीच में मेरा महिमा होना चाहिए। सो ही वॉन्ट्स टू कम एंड ड्वेल। सोचने बोला कि मुझे तुम्हारे बीच में आने के लिए मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, और परमेश्वर ने पूरा निवास स्थान का जो टैबरनेकल का जो प्लान था ए टू जेड, उसका डायमेंशन से लेके, उसका मटेरियल से लेके, उसको कौन सा कलर रहेगा, कौन सा मटेरियल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, यह सब कुछ परमेश्वर ने उसको प्लान दिया। उसको प्लान देने के बाद में मोसेस ने यह बात अपने अंदर छुपा के नहीं रखा। मोसेस आने के बाद में लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा दिस इज द विजन, ये जो ये दृष्टांत जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये है कलिसिया। तो सब कुछ मैं खुद अकेला करने वाला नहीं हूं, हम सब मिलके ये काम करना है। और हमको एक याद रखना चाहिए, बाइबल बोलता है ही दैट ओवरकम्स विल बी अ पिलर इन माय टेंपल। हमारा परमेश्वर का जो कलिसिया है, जो चर्च है, उसके पिलर्स जो है वो हम लीडर्स होते हैं। हम सब व्यक्ति, हम सब लीडर्स मिलके एक चर्च का जो है पिलर बन जाते हैं जिसपे वो चर्च खड़े होता है। फाउंडेशन यीशु क्रिस्त है द रॉक, बट वी आर द पिलर्स। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे मोसेस ने आके उसके लोगों को बताया एक बार, जैसे ही लोगों के अंदर बताया तो उनके अंदर एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक ऐसा जॉय, एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक क्या बोलते हैं, एक उत्साह उनके अंदर निर्माण हो गया। और लोग आराधना करने लगे, महिमा करने लगे। उन लोग अपने अपने घर में गए और जितना सामान उनको मिल सका वो सब सामान उन्होंने लाके, सोना चांदी कलर जो भी था, पीतल ब्रॉन्ज जो भी था, वो सब लोग ने इतना लाके दिए कि टाइम ऐसा आया कि मोसेस को कहना पड़ा बस 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 अभी इससे ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम करो, बंद करो अभी देना। लोगों को रुकाना पड़ा, नहीं तो इतना उन लोग दे रहे थे कि रखने के लिए जगह नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि लोग रो रो के दे रहे थे, लोग क्या हो गया उनके अंदर जॉयफुल्ली देवर गिविंग। सी, ये है परमेश्वर का कार्य, हम सब इसका भाग है, हम सब इसमें मिले हुए हैं। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सब एक साथ, कलिसिया जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, कलिसिया जो है परमेश्वर का शरीर है। ए जीसस इज द हेड एंड वी आर द बॉडी। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के रिस्पॉन्स, हम एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी आर आंसरेबल टू वन अनदर। आंसरेबल का मतलब यह होता हम जवाबदार है एक दूसरे के लिए। कोई भी व्यक्ति चर्च के अंदर एक अलग व्यक्ति नहीं होता है, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है एक दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मोसेस को एक विजन दिया, और वो जो दृष्टांत जो परमेश्वर ने दिया, वो दृष्टांत जो परमेश्वर ने, उसने क्या किया, उसके लोगों के साथ बांटा। जब उनके लोगों के साथ बांटा तो लोगों को एक क्लियर, अगर मोसेस को नहीं समझाता उन लोगों को, तो उन लोग ये बात कभी समझ नहीं पाते। उनको लगता था कि हमारा क्या जीवन है, क्या मकसद है जीवन का, हमारा काम है कि हम लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट, उत्साह निर्माण करना चाहिए। हर लीडर के अंदर ये हमारा, क्या बोलते हैं, दिस इज आवर वर्क। हम जब लोगों से बात करेंगे, जब हम लोगों से प्रभु का वचन बांटेंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे, लोगों को हम जाके सेल मीटिंग लेते हैं या फास्टिंग प्रेयर लेते हैं, जो भी लेते हैं, जहां भी हम प्रभु का शब्द प्रीच करेंगे, वहां पे लोगों के अंदर एक उत्साह आना चाहिए। और ये जो उत्साह है हमारे पर्सनल के लिए नहीं है कि मुझे नौकरी मिलने वाला है, मुझे काम मिलने वाला है, मेरे घर मिलने वाला है, ये तो सब होगा, प्रभु का ब्लेसिंग आएगा ही आएगा हमारे ऊपर। लेकिन परमेश्वर का राज्य में, प्रभु के क्या बोलते हैं, इस राज्य में हमारा क्या योजना है, प्रभु का क्या प्लान है, प्रभु का हमारे जीवन में उसका क्या योजना है हमें, तो वो एक बार क्लैरिटी मिल जाएगा। तो मनुष्य क्या करता है, ही विल गो बियॉन्ड हिमसेल्फ। अब नहीं तो क्या होता, हम लोग देने के लिए भी रोते हैं,
नहीं तो एक बार जब हमको मालूम पड़ा कि नहीं ये हमारा योजना है तो हमको इतना देते हैं लोग कि हमको बोलना पड़ता भाई अभी बस 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 अभी ज्यादा हो गया ये एक्साइटमेंट लोगों के अंदर उत्साह लोगों के अंदर हमको कुछ करना है। अगर मैं कहता हूं कि अगर कलीसिया के अंदर उत्साह नहीं है तो किधर उत्साह होगा। आजकल हम देखते हैं क्रिकेट मैच जब खेलते हैं जब कब अगर किसी ने एक सिक्स मारा तो इतना उत्साह होता है, उससे हजारों गुना उत्साह चर्च में होना चाहिए, कलीसिया में होना चाहिए। हमें जो हम इस नाशवंत कप के लिए नहीं खेल रहे, हमारा जो रिवॉर्ड है वो क्या बोलते हैं इटर्नल रिवॉर्ड है, प्रेज द अनंतकाली रिवॉर्ड है वो, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितने लोग ये बात समझ में आ रहा है, हमें हमारा लाइफ जो है पूरी तरीके से कमिट करना है प्रभु यीशु के लिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो लीडरशिप है, हमारा लीडरशिप जो है एक अलग किस्म का लीडरशिप है, इट इज डिफरेंट। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, हमको डिफरेंट बनना है, हमको अलग बनना है। वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर अ चोजन जनरेशन, हम एक चुने हुए लोग हैं प्रभु के, हम बुलाए हुए लोग हैं। We are a holy nation, a peculiar people. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें एक ऐसा लिखा है कि पुराने बातें बीत गए हैं और सब कुछ नया हो गया, हम एक नए व्यक्ति हैं यीशु क्रिस्त में, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या होता है कि वी हैव टू बी डिफरेंट। एक्ट्स में अगर हम पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्सेस 6 में अगर हम देखेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने उनको देखे, जब डिसाइपल्स को देखे तो लोगों ने क्या बोला उनके बारे में, बोले कि ये जो लोग हैं दुनिया का उल्टा पुल्टा, दे हैव कम टू सेट द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये पूरा दुनिया को अपसाइड डाउन करने वाले लोग है। अपसाइड डाउन का मतलब क्या है, ऊपर का भाग नीचे, ये कौन कह रहा था, दुनिया के लोग कह रहे थे अपसाइड डाउन। लेकिन परमेश्वर के नजरों में अपसाइड डाउन जो है इज द राइट साइड अप। दुनिया अभी अंधकार में है, हमको उनको उजाला में लेके आना है, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। हम बदलाव लेके आने वाले हैं, वी हैव टू मेक द डिफरेंस। जब तक हम डिफरेंट नहीं बनेंगे हम डिफरेंस नहीं ला सकते हैं, जब तक हम अलग नहीं बनेंगे हम एक बदलाव नहीं ला सकते हैं। हमें बदलना है तो हम बदलाव ला सकते हैं। अगर हमको बदलाव लाना है हमारे शहर में, हमको अगर बदलाव लाना है हमारे घर में, हमको अगर बदलाव लाना है हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो सबसे पहली बात जो है हमको अलग बनना है, परमेश्वर का अभिषेक लेके चलना है। एक्ट्स 1:8 में लिखा है जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज का सामर्थ है ये, शरीर का सामर्थ नहीं, ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये आत्मिक ताकत है, आत्मिक सामर्थ है, परिस्थिति बदलने का सामर्थ है, दुनिया के सामने विटनेस, यू बी विटनेसेस। प्रभु कहता है जब तुम ऐसा सामर्थ आएगा कि तुम विटनेसेस बन जाओगे, तुम तुम्हारे लोग तुम्हारे जीवन को देख के वो कहेंगे कि ये जो लोग हैं, ये परमेश्वर के पीछे लगने वाले चलने वाले जो लोग हैं, ये लोग का जीवन एक साक्ष्य है हमारे सामने। ये जो बोलते हैं उसमें सामर्थ नहीं है, इनका जीवन जो ये लोग जीते उसके अंदर सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। ये है असली लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है, जीसस ने क्या कहा डिसाइपल्स से, ही सेज फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन, मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब क्या है कि यीशु जो रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे हमें चलना है। मैं कमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं तुमको ऐसा बनना है, मैं बोल रहा हूं तुम मेरे पीछे चलो। पॉल लिखता है, पॉल ऐसा बोलता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मैं जैसा एज आई इमिटेट क्राइस्ट, जैसा मैं क्राइस्ट को इमिटेट करता हूं, जैसा मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं उसी तरह तुम लोग मुझे फॉलो करो। फॉलोइंग, हमको क्या बोलते हैं, ऐसा हुक्मशाही नहीं करना है। कुछ लोग हम देखते हैं उन लोग उनको उनका उनका लीडरशिप का मतलब ऐसा होता है, उनको लगता है जो मैं कहता हूं वो तुमको करना है, मुझे पूरा दुनिया का जो विजडम है वो सब मेरे अंदर है, मुझे सब कुछ मालूम है,
तुमको मालूम है आजकल ये एक ऐसा जमाना था जब दुनिया जो थे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो इस लीडरशिप पे चलते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं इसमें भी बदलाव आ रहा है। एक लीडर कभी किसी का सुनता नहीं था, उसको लगता है कि मैं जो बोलता हूं वो सही है, मैं जो बोलता हूं वो तुम्हें करना है। He just wants to rule, he just wants to command, he just wants to have dominion over the people, he just wants to rule over the people. It is for उसके लिए leadership यानी कि status and power। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोला या उसने जो suggestion दिया उसके against किसने कुछ दूसरा suggestion दिया तो उसको वो सहन नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो व्यक्ति को उठा के फेंक देगा, उसको निकाल देगा, उसको प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने मैंने जो बोला है उसने उसके ऊपर और उसका खुद का सजेशन दे दिया है। गर्व, प्राइड। और ये जो लीडरशिप है ये लीडरशिप इज अ टोटल फेलियर लीडरशिप है। ये आत्मिक में चर्च में तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये लीडरशिप। मैं जो बोलता वो सही है, तुमको मैं जो बोलता वो तुम्हें करना है, मेरे ऊपर दूसरा किसी का आवाज नहीं आएगा। तो फिर एक ही चीज हम बोल सकते हैं कि द बॉस इज राइट, बॉस सही है, व्हाट एवर बॉस सेज, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। पीठ पीछे भले उसका बुराई करो, पीठ पीछे बातें करो, पीठ पीछे उसका निंदा करो, लेकिन जब सामने आ जाएंगे तो यस बॉस, और बॉस भी उसी में खुश है। और क्या होता है इसमें, एंड हम देखते हैं कि जब ऐसा एक एटीट्यूड आ जाता है हमारे अंदर, हम किसी का सुनना नहीं चाहते, हमको सिर्फ बोलना है। अभी आप देखिए कितना खतरा है इस बात में, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सुनने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं बोलने वाला व्यक्ति, मैं कमेंड करने वाला आदमी हूं, आई एम अ कमांडर इन चीफ, मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए। तो जब तुम सुनते नहीं हो तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड तुम जो कमेंड कर रहे हो, जो काम तुम ऑर्डर दे रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन तुम्हारा क्या बोलते हैं, इट्स बेस्ड ऑन योर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, उसमें कोई सच्चाई नहीं है तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा जो डिसीजन है इट इज वेग, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि यू डोंट नो द रियलिटी, यू डोंट नो द ग्राउंड लेवल, व्हाट्स हैपनिंग ऑन द रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल। इसलिए बाइबल में लिखा है जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 19 में, इसे बी स्लो टू स्पीक, ज्यादा बड़बड़ मत करो, ज्यादा हुक्म मचाई मत करो, सुनो पहले। दूसरी बात बोलता है बी स्लो टू एंगर। अभी क्या होता है जब हमारा ऐसा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता हमारे अंदर, हुकुमशाही का एक एटीट्यूड जब डेवलप हो जाता है तो हम किसी का सुनना भी नहीं चाहते हम लोग, और किसी ने कुछ बोला तो हमको गुस्सा भी आता है। जब हम कम टू दैट लेवल, हम वो एक लेवल पे आ जाते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कि हम किसका सुनना नहीं चाहते, अगर किसी ने कुछ बोला तो हमें गुस्सा आ जाता है। जब हम वो लेवल पे आते हैं तो हमारे अंडर जो लोग है उनके अंदर भी, उन लोग भी हुशार है, उनको आइडिया आ जाता है इसको जो हमको बोलना है, वो जो सुनना चाहता है हमको वही बोलना है उसको। So, ये जो लोग होते हैं ये लोग खाली मैन प्लीजर्स बन जाते हैं। इनका प्रमोशन अगर आपको खुश किया तो उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये जो लोग हैं, चार लोग हैं, वो आपके आपके सामने सिर्फ आपको जो पसंद है वही बात कहेंगे आपसे, और वो सुन के हमें खुश हो जाते हैं, हमको लगता है हम बहुत बड़ा राजा है, हम बहुत बड़ा ग्रेट आदमी है, हम बहुत बड़ा लीडर है। और ग्रास रूट लेवल पे हम देखते हैं कि सब जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रहा है। He says, be quick to hear, तुम सुनो, you must get information, तुमको जब information मिलता है उस information के ऊपर तुम decision ले सकते हो। और तुम्हारे अंडर में जो भी pillars है, ये जो pillars है, जो leaders है, ये leaders भी, they are also leaders, उनके अंदर भी Holy Spirit है, उनको भी मालूम क्या चल रहा है, listen to them, उसके ऊपर तुम डिसीजन ले सकते हो। 10 लोग का सुनने के बाद में तुम डिसीजन ले सकते हो, तुमको मालूम क्या तक, व्हाट इज द फैक्ट, जो सच्चाई क्या है डाउन द लाइन। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो टाइप ऑफ लीडरशिप है,
चर्च में तो बिल्कुल इसके लिए एक क्या बोलते एक इंच का जगह नहीं देना चाहिए हमें. दिस इज नॉट द लीडरशिप जो जीसस ने हमें सिखाया है. ये यीशु का लीडरशिप बिल्कुल नहीं है. यीशु ने कहा अगर तुमको ग्रेट बनना है तो कुर्सी के लिए मत लड़ो. अगर ग्रेट बनना है तो तुमको सेवक बनना है. प्रेज द लॉर्ड. सेवक बनना है हमें. सेवक का एटीट्यूड रखना है हमें. मोसेस ने लीडर बनने के पहले उसका जो पोजीशन था उसको छोड़ दिया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है क्या तुम अपना पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो. तुम अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो क्या. तुम क्या बोलते हैं एक सेवक बनने के लिए तैयार हो क्या. तुम एक लीडर बनना चाहते हो. प्रेज द लॉर्ड. अगर हम देखेंगे बाइबल में जब डिसाइपल्स थे यीशु के जब यीशु के पास आते थे तो उन लोग इतना बेफजूल सवाल पूछते थे यीशु को जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता था. कभी दे वुड आस्क एनी क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते थे लेकिन कभी उनको ऐसा डर नहीं था मैं अगर पूछूंगा तो यीशु क्या कहेगा. सी दे नेवर हैड दैट फियर इन देम. लेकिन हम अगर ऐसा लीडरशिप हुकुमशाही का लीडरशिप अगर हम रखेंगे तो लोग हमसे बात करने के लिए डरेंगे. हमारे सामने आने के लिए लोग डरेंगे. लेकिन यीशु के साथ कभी ऐसा एक डर नहीं था. कभी ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बता रहे तू बोलना ऐसा नहीं था. दे वर वेरी फ्री टू टॉक टू जीसस. दे वुड आस्क हिम सम फूलिश क्वेश्चंस. वी शुड बी रेडी. हमारा एक ऐसा एक लीडरशिप रहना चाहिए कि लोग कैसा भी सवाल हमको पूछ सके तो हम उनको उत्तर दे सके उनका. प्रेज द लॉर्ड. तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो लीडरशिप बाइबल हमें सिखाता है इट इज नॉट लीडरशिप जस्ट मैंने बोल दिया ये तुम्हें करना है. ये कैसा लीडरशिप है. ये हमें सेवक बिकम अ सर्वेंट बोलता है बाइबल. यीशु ने कहा है तुमको एक सेवक बनना है. प्रेज द लॉर्ड. एंड इट सेज वी आर लिसनर. बी स्विफ्ट टू लिसन. सुनने का तुम क्योंकि जब सुनते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दूसरों का. इज नॉट एन इंफॉर्मेशन पर क्या हो रहा है अराउंड अस वी कैन कम टू नो. और हमें एक ही सोर्स से सुनना नहीं. अगर हम बाइबल में देखते हैं तो देयर आर फोर गॉस्पल्स. क्या किया है उन्होंने एक ही चीज को चार एंगल से हम देखते हैं. एंड वी कैन कम टू नो व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू अस. कई बार जो एक गॉस्पेल में वही चीज दूसरे गॉस्पेल में भी लिखा है तीसरे गॉस्पेल में भी लिखा है चारों गॉस्पेल में कभी कोई एक ही इंसिडेंट को उन्होंने लिखा है. कोई इंसिडेंट एक गॉस्पेल में लिखा है कोई इंसिडेंट दूसरे गॉस्पेल में लिखा है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड ऑल द फोर गॉस्पेल्स हमको एग्जैक्ट पिक्चर मालूम होता है. आर यू गेटिंग. वी मस्ट हैव यू नो पीपल अराउंड अस लीडर्स फ्रॉम वेयर वी कैन लिसन so that you can make a decision, you can make a choice, you know what is right. It says life is before you, death is before you, blessing is before you, cursing is before you. You have to make a choice. Choose life. Amen. We have to make a choice. Hamein nirnay lena hai. Humko leadership mein chalna hai. Dekho Romans 12:3 mein kya bolta hai Paulus. He says do not think of himself more highly than he ought to think. तुम अपने आपके बारे में अपने ज्यादा मत सोचे. कैन यू रीड दैट रोमन्स 3 रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 3. डोंट थिंक अपने आपके बारे में कुछ ज्यादा. अपने खुद के मन में एक ऐसा मत सोचो कि मैं ही सबसे बड़ा ग्रेट हूं. सब दुनिया भर का विजडम प्रभु ने खाली मेरे अंदर भर दिया है बाकी पूरा दुनिया मूर्ख है. रोमन्स 12:3 मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से यह कहता हूँ जितना तुम्हें स्वयं को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा न समझे. जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ वह अपने को समझे. प्रेज़ द लॉर्ड. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. Let not anybody think more highly about himself than he ought to think. आप आपको समझ में
ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत ग्रेट हूं। नहीं, प्रभु ने सबको बुलाया है, प्रभु ने हमको सबको बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस। कलसिया के अंदर पवित्र आत्मा प्रभु ने एक ही आदमी में नहीं डाला। ही सेड इट्स द सेम स्पिरिट बट एवरीवन हैविंग डिफरेंट गिफ्ट्स। एक ही पवित्र आत्मा है, अलग अलग गिफ्ट हमें दिया है। ओके, तो आपको एक गिफ्ट दिया, इनको एक गिफ्ट दिया, मुझे एक गिफ्ट दिया, दूसरे को एक गिफ्ट दिया, हम सबको अलग अलग गिफ्ट दिया प्रभु ने। आत्मा वही है, ऐसा नहीं बोला कि एक ही आत्मा प्रभु ने पूरा गिफ्ट सब एक ही आदमी के अंदर डाल दिया। डोंट थिंक हाईली अबाउट योर सेल्फ दैट यू ऑट टू थिंक। अपने बारे में ऐसा मत सोचो कि मैं एकदम हटके हूं, अलग हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो लोग बोलते हैं आपको एकदम नम्र बन के अभी सबका भी खाली जूता साफ करना है। वो भी नहीं है, वो उसको भी नम्रता नहीं बोलते। सी, हमें व्हाट इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा जूता आके साफ करो या तुम्हारे घर पे आके झाड़ू मारो तो आप बोलेंगे पास आए सर कितना नम्र है भाई, हमारे घर पे आके झाड़ू मारता है। मैं अपना नम्रता दिखाने के लिए मुझे आपके घर पे आके झाड़ू मारने का जरूरत नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके स्वरूप में बनाया। मैं आपसे ना छोटा हूं ना मैं आपसे बड़ा हूं। सो मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा जब मैं किसी को देखूंगा तो मैं अरे भाई वो बहुत बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूं, वो एटीट्यूड नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई ये कौन है मेरे सामने बात करने वाला, मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, इसके पास तो 100 रुपए भी नहीं है। सी, वैसा तुलना मैं नहीं करूंगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये अनपढ़ है, ये कौन है मेरे सामने बात करने वाला, ये तो मेरे घर में काम करने वाला है, ये तो मेरे घर में काम करने वाली है, ये एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं रहेगा। सो आई एम नॉट इवन ग्रेट ग्रेटर देन एनीबडी, आई एम नॉट इवन लोअर देन एनीबडी। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, अपना आप को भी जानता हूं। मैं प्रभु के, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं, यीशु के लहू से धुला गया हूं, यीशु ने मुझे अपने लहू से धोया है, उसने मुझे नया जीवन दिया है, अपने आत्मा से मुझे भर दिया है, अपना संतान बना दिया है। आई एम अ को हीर विद क्राइस्ट जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे इंफीरियर होने का भी जरूरत नहीं है, मुझे प्राइड भी आने का, प्राइड जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। जेम्स चैप्टर 4 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 6 एंड 7 के अंदर लिखा है, गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। हम्बल व्यक्ति कौन है? मैं आपको बताया, हम्बल व्यक्ति वो नहीं है जो आपके घर पे आके झाड़ू मारेगा, हम्बल व्यक्ति वो है जो सबका रिस्पेक्ट करता है। और वो व्यक्ति को प्रभु बोलता है, प्रभु उसको और कृपा देता है। कृपा का मतलब क्या है? प्रभु हमको और ग्रेस देता है, He gives us अनुग्रह देता है हमें। अनुग्रह का मतलब क्या है? कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम सफलता पाते हैं, और वो हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं है, परमेश्वर का बल और परमेश्वर का उस, वो हमारे मार्ग खोलता है। See, that is grace. जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलेगा हम नहीं कर पाएंगे, हम कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा, उसको बोलते हैं अनुग्रह। ओके, तो यहां पे बोलता है गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल बट ही रिजिस्ट द प्राउड। जो घमंडी व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं अलग हूं, मैं हटके हूं, मैं कुछ तो भी ग्रेट हूं, सब ये कौन है मेरे सामने, जो ऐसा नजर से दूसरों को देखता है, प्रभु क्या करता है? प्रभु बोलता है कि मैं उसको दबाता हूं नीचे, विरोध करता है। और आप एक याद करिए, अगर परमेश्वर आपका विरोधी हो गया तो आप खतरे में हैं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके तरफ से खड़ा होगा, पूरा दुनिया आपका विरोधी हो जाएगा तो भी प्रभु आपको खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरा दुनिया आपके विरोधी होगा, व्हाट कैन मैन डू अनटू मी, गॉड इज फॉर मी, व्हाट कैन मैन डू अनटू मी। अगर परमेश्वर मेरे तरफ से खड़ा है तो दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकता है, शैतान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको विरोध किया तो आप खतरे में हैं। और एक घमंडी व्यक्ति को दुनिया विरोध नहीं करता है, परमेश्वर विरोध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको उठना मुश्किल है, आपको खड़ा रहना मुश्किल है। और 7th वर्स के अंदर ऐसा बोलता है, सबमिट टू गॉड एंड रिजिस्ट द डेविल। सबमिट टू गॉड, क्योंकि गर्व जो है वो परमेश्वर की ओर से 100% नहीं आ सकता है।
नो वे, सबसे पहला पाप इस दुनिया में कभी जो आया है वो पाप जो है वो गर्व है, शैतान के अंदर वो गर्व है, लूसीफर के अंदर गर्व है। उसने बोला मैं मेरा जो क्या बोलते हैं थ्रोन, मेरा जो रहा सिंहासन जो है, मैं उसको परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। जैसा ये मन में उसका ये बात उसके मन में आया, परमेश्वर ने इसको उठा के नीचे फेंक दिया। गर्व सबसे पहला पाप, बच के रहो इससे। उसके गर्व के आगे सिर्फ और सिर्फ एक खाई है, उधर सिर्फ आपका नुकसान है, आपका बर्बादी है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसको विरोध करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहां पे हम देखते हैं ये सेज रेजिस्ट, सबमिट टू गॉड, अपने आप को परमेश्वर को सबमिट करिए, एंड रेजिस्ट द डेविल, विरोध करो शैतान का। प्रेज द लॉर्ड। गर्व जो है वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आ सकता है। हम अगर लीडर है तो बाइबल में लिखा है तुम कुर्सी के लिए मत लड़ो, लेकिन सेवक बनने के लिए सीखो। हमको सेवक बनना है, लोगों का सेवक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको लोगों का सेवा करना है, वैसे एक एटीट्यूड रख के हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको बोलना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, हम जब तक, जैसे कि मैंने कहा, जब तक हम नहीं बदलते हैं हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। हमको बदलाव लाना है, हमें दुनिया को उल्टा पुल्टा करना है। हमको जो द राइट साइड हैज टू बी अप, हमको वी हैव टू मेक अ डिफरेंस। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम सब फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर हम फ्रूटफुल नहीं रहेंगे तो ऐसा लिखा है कि वो पेड़ को काट के अग्नि में डाला जाएगा। ओके, हमको फलदायक बनना है हम सबको। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका मतलब क्या है, वी हैव टू बी फ्रूटफुल का मतलब क्या, अगर वर्ल्डली सेंस में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्टिव बोलते लोग। अगर कोई कंपनी में तुम काम करते हो या तो लोग बोलते यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, कितना मेहनत कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जो कर रहे हो उसका उसका क्या बोलते रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका आउटकम क्या है, तुम जो कर रहे हो उसका। प्रेज द लॉर्ड। हम जो करते हैं खाली मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटकम कुछ नहीं है, क्या फायदा उसका। फ्रूटफुल हमें बनना है, और फ्रूटफुल बनने के लिए हमको एक एग्जाम्पल मालूम है कि दो व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए बोला गया था। तो एक व्यक्ति जो था बहुत कष्ट कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, दूसरा व्यक्ति जो था वो एकदम आरामदायक से काम कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, किधर जा रहा था, आ रहा था, वापस कट कर रहा था, ऐसा करते करते आखिर में जब शाम को जब हमने हिसाब किया तो मालूम पड़ा जो आदमी कष्ट कर रहा था उसने 4 पेड़ काटा, और जो इंसान घूम फिर के काम कर रहा था उसने 8 पेड़ कर दिया। तो लोग एकदम अचंभित हो गए, भाई तुमने इतना मेहनत करने के बाद खाली 4 तुमने पेड़ काट पाए, और ये जो आदमी था तो घूम फिर के आराम से काम किया और फिर भी इसने 8 पेड़ कट कर दिया, कैसा हुआ। तब जब दोनों से पूछताछ किए तो मालूम पड़ा ये जो व्यक्ति को हमको लग रहा था ये घूम फिर रहा है, मजा कर रहा है, ये व्यक्ति क्या करता था, एक पेड़ काटने के बाद में जाके उसके कुल्हाड़ी को धार लगा रहा था, फिर आके कट करने का, फिर जाके उसको कुल्हाड़ी को धार लगाने का। तो हमें क्या करना है, हमको खाली कष्ट करने वाले लोग नहीं बनना है, हमको कुल्हाड़ी को धार लगाने वाला भी बनना है। धार लगाने का मतलब क्या है, हमारा विजन को क्लियर करना है। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमको क्या बोलते हैं अपने आप को हमको स्ट्रेंथन करना है। जब हम परमेश्वर में जाते हैं हम सैटिस्फाइड होते हैं, प्रार्थना में जब जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब जाते हैं, प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है हमको एक नया रिफ्रेशमेंट आता है यीशु की तरफ से, एक नया ताकत नया बल आता है हमारे अंदर। फिर हम जब जाते हैं तो फिर एक एक्साइटमेंट से हम लोग काम करते हैं, वापस हमको प्रभु के पास आते हैं, फिर हम लोग वापस एनर्जाइज होते हैं, वापस पवित्र आत्मा से भर के फिर से हम लोग जाके उसको काम करते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर हमारा फल ब्लेसिंग जो है उसमें फल जो है ज्यादा आता है, देयर इज मोर रिजल्ट इन व्हाट वी आर डूइंग। तो हमको रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, हमको देखना है कि भाई हम सब कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या है, व्हाट इज द आउटकम। तो जब हम लीडरशिप
के अंदर जब विजन डालेंगे, लीडरशिप के अंदर मैंने जो आपको बताया उसका उनका आंखों के सामने जो फॉग होता है, जो उसको हमें उठाना है। एक बार वो विजन क्लियर एक बार उनका हो गया तो फिर उन लोग प्रभु का सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हमें आई क्लोज नाउ। ओके, एक दो मिनट मुझे दीजिए। यहां पे हम देखते हैं हमको विट वी शुड बी फ्लोइंग विद द क्राउड, जैसा कि समझो डिफरेंस हम बोलते हैं ना। देखो कुछ लोगों के अंदर कैसा रहता है, जो बदलाव आता है वो बदलाव के साथ हम बदलते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जब एक बदलाव आता है तो हम बदलाव के साथ में हम बदलते हैं, लेकिन अगर हमारे पर पवित्र आत्मा है, अगर बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आएगा, तुम मेरे साक्ष्य बन जाओगे। ओके, जब प्रभु कहता है तो हमको परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना है, हमको परिस्थिति बदलने वाले लोग बनना है। अब देख रहे इसमें फर्क है, हम परिस्थिति बदलने वाले लोग हैं, हम परिस्थिति के अनुसार चलने वाले लोग नहीं है। हम परिस्थिति बदलने वाले लोग हैं, हमारे पर पवित्र आत्मा है, हमारे पर प्रभु का अभिषेक है, हमको परिस्थिति बदलना है। आज हम देखते दुनिया का परिस्थिति क्या है, आज हम देख रहे दुनिया में क्या चल रहा है। कोरोना वायरस ने आज पूरा दुनिया को हिला के रखा है। इंडिया में आज इतना फैल गया है कि हम उसको कुछ क्या बोलते हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है, हमको परिस्थिति के साथ दबना नहीं है, हमको एकजुट होकर प्रार्थना करना है, हमको बदलाव लेके आना है। और ये जो बदलाव है ये सिर्फ हम नहीं लेकिन पूरा सिस्टम जो है इसके विरुद्ध काम कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट उसके विरुद्ध काम कर रहा है। हमको इस क्या बोलते हैं, इस वायरस के विरुद्ध हमें काम करना है। प्रार्थना के द्वारा हम सब अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे कि प्रभु हमको ग्रेस दे, हमारे दरवाजे खोले, हमको इसका जो क्या बोलते हैं, इसके लिए कुछ नया मेडिसिन या कुछ तो भी नया निकले इसके लिए कि ये चीज पूरी तरीके से मिट जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा, हमको परिस्थिति से दबना नहीं है, हमको परिस्थिति को बदलने वाले लोग बनना है। प्रेज द लॉर्ड। इसको कहते हैं लीडरशिप। और ये जो लीडरशिप हमको देख के, जैसा कि जीसस ने बोला फॉलो मी And I will make you fishers of men. मुझे मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें एक अलग व्यक्ति बनाऊंगा। I'll make you fishers of men. Praise the Lord. इसी के साथ मैं क्लोज करूंगा। Praise the Lord. तो I believe जो जितना मुझसे हुआ मैंने आपको हिंदी में बताने के लिए कोशिश किया हूं, और लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जरूर पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है। आज मुझसे ज्यादा पवित्र आत्मा ने आपको लीड किया है आज का मैसेज को समझने के लिए और उस पे उसके पालन करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो भी आज आपने मैसेज सुना है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर करें और इसको दूसरे के साथ बांटे। और हमारा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है हार्वेस्ट टाइम चर्च के नाम से, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस करके रखिए, तो जब भी हम नए वीडियोस हमारे पोस्ट करेंगे तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग स्तुति आराधना करेंगे, हम गीत लेंगे। मुझको चुना, मुझको चुना अब ना डेरा, चल फिर दिल में मेरे बाल समान अपना लिया, बात करता दिल में मेरे आबा पिता, तुझको गाऊंगा जीवन
उसके आराधना करें।
थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तेरा वचन कहता है जहां दो या तीन तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, जहां दो या तीन गैदर टुगेदर इन योर नेम, देयर यू आर इन द मिडस्ट ऑफ देम, वहां तो उनके बीच में मौजूद है प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर लॉर्ड। तो हर घर में जो मुझे देख रहे हैं लॉर्ड, जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड वही अभिषेक उनके ऊपर महसूस होने दे लॉर्ड। टच एवरीबॉडी लॉर्ड, ब्लेस एवरीबॉडी लॉर्ड गॉड, हील एवरीबॉडी लॉर्ड। जितने भी लोग कोई बीमार है, जितने भी लोगों को प्रार्थना है, कोई प्रार्थना मांगना चाहते हैं, या जो भी प्रार्थना आपके मन में है, जो भी आपको प्रार्थना कराना है, इसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। टच एवरीबॉडी लॉर्ड, टच देम, टच देम, टच देम, टच देम लॉर्ड, व्हेरेवर दे आर, व्हाटएवर इज देयर नीड, व्हाटएवर इज देयर रिक्वायरमेंट लॉर्ड, वो सब लोग लॉर्ड अपना प्रार्थना तेरी ओर बढ़ा रहे हैं लॉर्ड। लॉर्ड अपना जो भी नीड्स है वो तेरी ओर ला रहे हैं प्रभु यीशु। लॉर्ड नाउ आई प्रे लॉर्ड स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड्स एंड टच देम ओ गॉड, यस फादर गॉड, एंड हील एवरी सिक बॉडी मास्टर लॉर्ड। एवरी वायरस आई कमांड इट टू लीव एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यू डेविल, यू डेविल, यू स्पिरिट, I command you to leave in the name of Jesus. Yes. Lord, let the healing power of God touch the people. Yes, Lord. Thank you, Master. Heal them right now, Master. Every kind of sickness, leave in Jesus' name. Amen. Lord, those who are financially in need, Lord, yes, financial Lord. Need, I pray, Lord, supply all their needs. Many Amen. People are not having jobs. Many people are losing their jobs. Many people are wanting to go back to their hometown. Lord, be merciful to your people. Yes. And yes, make Lord. A way for them, Master. Amen. Lord. Protect yes, them, Lord. Lord. Let no evil come upon them, Master. Yes, Lord. Many people are dying, O God. Lord, be merciful, O God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And let your name be glorified, Master. Amen. In the yes, midst Lord. Of your people, O God. Amen. Thank yes, you, Jesus. Lord, I pray for everybody that is watching me, Lord. Let there be peace in their home. Let yes, there be Lord. Financial, spiritual, material, every blessing. Amen. Heal every sick yes, body. Father. And let them never lack in any good thing, yes, Master. Jesus. Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord. Even, Lord, even as we have heard your word, I pray that every one of us would become productive, Lord. We all would become fruitful, Master. Yes, Lord. And our lives would be a blessing, that we may become leaders, that we may be inspiration to other people who are watching us, Master. Yes. Thank you, Father. We give you all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना है और हम सबको आशीर्वादित किया है. Praise the Lord. So don't forget to share it with others and also subscribe to our YouTube channel. God bless you all.